प्रधानमंत्री आवास योजना की धज्जियां उड़ाता पनीगांव ग्राम सभा। जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा पनीगांव में खुलेआम गरीबों का हनन ग्राम प्रधान पप्पू मनिहार द्वारा किया जा रहा है। जहां एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार गरीबों को आवास प्रदान करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत पनीगांव ग्राम प्रधान के द्वारा गरीबों के प्रधानमंत्री आवास छीनने का भी काम किया जा रहा है। पनीगांव के कन्हैया बक्स का पूर्वा निवासी शिवमूर्ति पांडे पत्नी सरोज पांडे, जो कि बहुत गरीब है, कहीं से कोई आय का साधन भी नहीं है और रहने लायक मकान भी नहीं है। लगातार 4-5 वर्षीय पप्पू मनिहार व पत्नी मैशर बानो पनीगांव ग्राम पंचायत में प्रधान होने के बावजूद भी एक गरीब को आवास नहीं दिया गया। जब भी शिवमूर्ति पांडे पत्नी सरोज पांडे पप्पू प्रधान से आवास की फरियाद करती हैं, तो प्रधान केवल आश्वासन ही देते हैं। आइए सुनते हैं शिवमूर्ति पांडे पत्नी सरोज पांडे की जुबानी। भैया आपका नाम? शिवमूर्ति पांडे। शिवमूर्ति पांडे। गांव का नाम? कन्हैया पुरवा। मैटर क्या है जी? मैटर यह है जी कि प्रधान जी से कहते हैं तो हम बारिश में पेड़ के नीचे रह जाते हैं, वो लोग क्या करें, प्रधान सुनते भी नहीं है। प्रधान कौन है? प्रधान का नाम पप्पू प्रधान, चुरहारन के पुरवा। तो ये बनाने के लिए एक कॉलोनी चाहिए जी बस। तो कॉलोनी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब आएगी तो देते रहेंगे, यही सबको दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, कहते हैं कि पैसा भी लागेगा। कितना मांगते हैं भाई? वो 30,000 कहा थी, हम दे लायक हुई तो हम बनवाए ना, ली 30,000 दे के। वो 30,000 रुपया पहले मांग रहे हैं? हाँ। 30,000 उनको दोगे तब कॉलोनी आपको देंगे? हाँ। क्या वो सरकारी संपत्ति का पैसा लेते हैं क्या? अब भगवान जाने, उनकी कृपा जाने। जनपद प्रतापगढ़ से ब्लॉक रिपोर्टर मिथिलेश कुमार की खास रिपोर्ट।